Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ज्योति मिर्जा को हराने के लिए हनुमान बेनीवाल कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। लगातार बेनीवाल ज्योति मिर्जा पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। अब नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए संकट के बादल गहराने लगे हैं। बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्जा का नामांकन रद्द होने की तलवार लटक रही है। दरअसल हनुमान बेनीवाल के भाई और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल ने ज्योति मिर्जा पर तथ्य छिपाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन कार्यालय में शिकायत की है। उनकी शिकायत के बाद बीजेपी में चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं। इस मामले में पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल जिला निर्वाचन अधिकारी से मिले। बेनीवाल का कहना है कि बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्जा ने नामांकन पत्र में अपने आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई है, जबकि उनके ऊपर दो मामले दर्ज हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है डॉक्टर ज्योति मिर्जा, उस पार्टी की बात वो हमेशा करती है जो ये कहते हैं संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, जबकि संविधान के अंदर स्पष्ट निर्देश है आरपी और जो जनप्रतिनिधित्व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम बने हुए उसके अंदर अपने नाम निर्देशन पत्र में और जो शपथ पत्र है उसके अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसको बताना सबसे जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्जा ने अपना जो क्रिमिनल जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसको छुपाया गया। उन्होंने न तो नाम निर्देशन पत्र में और ना ही शपथ पत्र में उल्लेख किया कि मेरे खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड कोई दर्ज है। उन्होंने उनके खिलाफ जोधपुर के उदय मंदिर थाने में FIR नंबर 577/2023 और FIR नंबर 582/2023 ये दोनों दर्ज है, लेकिन इन्होंने अपने नाम निर्देशन पत्र शपथ पत्र में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया। तो आज हमारे इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में भी, जयपुर में भी और यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी को हमने ये ज्ञापन सौंपा है कि ऐसे मामले में त्वरित कार्रवाई करके और इसका फॉर्म जो है वो रद्द किया जाए, ताकि एक मैसेज ये जाए कि चुनाव आयोग और हम सब जो है मतलब संविधान से ऊपर कोई नहीं है। और ये बड़ी विडंबना की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान को सर्वोपरि रखने की बात कर रही है, उनके प्रतिनिधि और उनके द्वारा नामित जो प्रत्याशी यदि ऐसी हरकत करता है तो इसके अंदर देश के अंदर एक आम व्यक्तियों के अंदर गलत। इस मामले को लेकर बेनीवाल ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत देकर ज्योति मिर्जा का नामांकन खारिज करने की मांग की है। बेनीवाल ने निर्वाचन अधिकारी को ज्योति मिर्जा के खिलाफ चल रहे मामलों की FIR कॉपी भी पेश की। बेनीवाल की शिकायत के बाद नागौर की बीजेपी में हड़कंप मच गया है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए नागौर से केशाराम की रिपोर्ट।